दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे पर्पल कलर के हिबिस्कस के प्लांट में एफिड्स का अटैक हो चुका है और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो हिबिस्कस का जो प्लांट है दोस्तों उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम रहती है, हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, तो हमें उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ता है। तो मैं कौन सा सॉल्यूशन आज इस पर स्प्रे करूँगी तो वही आज का वीडियो का टॉपिक्स है कि एफिड्स किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं आपको नॉर्मल जो तरीका है वो भी बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपके पास कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह नहीं है या इंसेक्टिसाइड नहीं है तो आप नॉर्मल तरीके से भी इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इसी वीडियो को बंगला भाषा में देखना चाहते हैं तो जब आप मेरे चैनल लिस्ट पर जाएंगे वहाँ मेरा दूसरा चैनल शो हो रहा है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों एफिड जो है प्लांट के न्यू फ्लावर और लीव के ऊपर जो है इस तरह से बैठा रहता है और उसका जो है रस चूसता रहता है और प्लांट जो है काफ़ी कमज़ोर सा हो जाता है और जो फ्लावर के बर्ड्स या नए लीव्स है उनको ख़राब कर देता है। दोस्तों हिबिस्कस के प्लांट में काफ़ी तरह के इंसेक्ट जो है वो बहुत ही आसानी से अटैक कर देता है, तो उसमें जो है आपको मिली बग्स का भी अटैक होता है काफ़ी बार और जो है एफिड्स का भी अटैक होता है। एफिड्स काफ़ी तरह के रंगों में मिलता है, जैसे येलो एफिड्स, ग्रीन एफिड्स, ब्लैक एफिड्स या वाइट एफिड्स, तो इस तरह के कलर के एफिड्स मिलते हैं। और दोस्तों अगर आप अपने प्लांट को एफिड्स से रिमूव करना चाहते हैं और आप किसी भी तरह का पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो नॉर्मल टैप वाटर जो होता है उसे थोड़ा सा स्पीड रखते हुए हर दो दिन, मतलब एक दिन छोड़ छोड़ के हर दूसरे दिन आपको अपने जो हिबिस्कस के प्लांट है उस पर जो है अच्छे से अगर प्लांट को आप वॉश कर देंगे 10 से 11 बजे के बीच में तो आपके प्लांट में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं दिखेंगे या इस तरह के एफिड्स या मिलीबग्स का भी अटैक नहीं दिखेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप रेगुलर वॉश नहीं कर सकते, जैसे मैं बिल्कुल भी रेगुलर वॉश नहीं कर पाती हूँ, इतना समय नहीं हो पाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी दिखने में मिलती है, तो नॉर्मल अगर आप नीम ऑयल स्प्रे करना चाहते हैं तो नीम ऑयल का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर रखा है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो मैं इंसेक्टिसाइड यूज़ करूँगी अपने प्लांट में, क्योंकि नॉर्मली मैं महीने में एक बार ज़रूर से अपने प्लांट में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करती हूँ। तो कौन सा स्प्रे करूँगी एफिड्स के लिए वही आज मैं बताने वाली हूँ, वो तो वीडियो में आपको आगे बताऊँगी दोस्तों। लेकिन अभी जो है दूसरा तरीका बता रही हूँ कि आप अगर हफ्ते में एक बार कोई भी लिक्विड सोप 5 ml जितना 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने हिबिस्कस के प्लांट को 7 डेज में एक बार अगर अच्छे से स्प्रे करेंगे या वॉश कर देंगे अपने प्लांट को, तब भी आपके प्लांट में इस तरह के इंसेक्ट या एफिड्स का अटैक नहीं दिखेगा। ये दो तरीके दोस्तों अगर आप रेगुलर कर सकते हैं या आपके प्लांट में बहुत ही कम मात्रा में एफिड्स का अटैक है तो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा एफिड्स का अटैक है, जैसा मेरे प्लांट में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है एफिड्स का अटैक हो चुका है, तो इस समय जो है कोई ना कोई इसको इंसेक्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मेटाडोर का इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रही हूँ। इसे पहले बहुत अच्छे से शेक करना है, शेक करने के बाद में 1 लीटर पानी के अंदर मेटाडोर इंसेक्टिसाइड यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर। तो मैं नॉर्मल ड्रॉपर की मदद से जो है 2 ml जितना ले रही हूँ, आप चाहे तो मेज़रमेंट कप ले सकते हैं और उसमें 2 ml जितना लेकर और जो है पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने पूरे प्लांट को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। दोस्तों इसे जो है वापस जो है हमें हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है, तो 3 से 4 दिन बाद में इसे फिर से सेम जो क्वांटिटी है वैसा करके हमें फिर से एक बार जो है अपने प्लांट पर स्प्रे करना है।
जैसे हमने आज किया है, तो 3 दिन बाद हमें फिर से इसे रिपीट करना है। और जब हमें दिखे कि ये बिल्कुल भी एफिड्स प्लांट पर नहीं है, उस समय हमें नॉर्मल, जैसे हम महीने में एक बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो उस समय हम एक बार करेंगे तो चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर एक बार वॉश करने पर भी एफिड्स का अटैक आपको फिर भी दिख रहा है, दूसरी बार, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, तो हमें जो है 2-3 दिन बाद फिर से एक बार स्प्रे करना पड़ेगा। दोस्तों ये तो हो गया केमिकल तरीके से, लेकिन अगर आप अपने प्लांट पर केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करना चाहते, केमिकल इंसेक्टिसाइड प्लांट के लिए भी थोड़ा हार्मफुल हो सकता है या ये हमारे ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल होता है, तो उस सिचुएशन में आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके पहले बता दिए हैं और अब जो है ये मैं आपको 3रा तरीका बता रही हूँ। इसके लिए आप नॉर्मल 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml जितना नीम ऑयल, कोई भी आप मार्केट से अच्छी कंपनी का या ब्रांड का नीम ऑयल ले सकते हैं, तो उसका 5 ml आपको 1 लीटर पानी में मिक्स करना है। और कोई भी लिक्विड सोप आप वो भी 5 ml जितना लेकर अपने प्लांट को अच्छे से इसी तरीके से वॉश करना है। पत्तियों के ऊपर, नीचे, हर जगह आपको वॉश करना है। तो इस तरह से अगर आप नीम ऑयल अगर करेंगे स्प्रे, उससे भी एफिड्स का जो पूरी तरह से हट जाता है, लेकिन वो भी आपको कम से कम 2 से 3 बार यूज़ करना पड़ता है उसको भी। क्योंकि दोस्तों एफिड्स जो है एक बार में रिमूव नहीं होता है, ये आपको दूसरे बार भी करना पड़ता है। यानी 2 दिन छोड़ के आप ज़रूर से जो भी चीज़ आपने अपने प्लांट पर स्प्रे किया है, उसे आप 2 दिन छोड़ के फिर से स्प्रे कर दीजिए। तो मैंने ये जो मेटाडोर का इंसेक्टिसाइड है, इसे अच्छे से वॉश किया है अपने प्लांट को। अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, जितने भी इंसेक्ट यहाँ पर थे एफिड्स, वो सभी अच्छे से रिमूव हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। लेकिन फिर भी इसे 3रे दिन मैं फिर से स्प्रे करूंगी ताकि बिल्कुल भी एफिड्स इसमें ना आए, क्योंकि एफिड्स के अटैक होने से प्लांट काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी रुक जाती है, रस चूसने लग जाता है, फिर काफ़ी तरह की प्रॉब्लम दिखने में मिलती है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट में जो है एफिड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।